नाम रंजीत, जैसा कि आप देख रहे हैं काकोरी मोड़ पे जो आज 16 तारीख की फ्रेंचाइजी 16 तारीख को जो फ्रेंचाइजी खुलनी थी वो खुल चुकी है। दिन भर जबरदस्त इंतजाम रहे, जबरदस्त तरीके से प्लान दिखाया गया और बहुत ही बड़ी सेल हुई यहाँ पे। और आज मैं बताऊँ जो दिन भर वहाँ पे हुआ है उसके बारे में बताऊँ तो लोगों को इतना मजा आया है ना, नए लोगों को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो शायद किसी फ्रेंचाइजी की ओपनिंग में ना आए, ठीक है। लेकिन बात करेंगे आज यहाँ पे वो तरीके से, वो इतने बढ़िया बढ़िया इंतजाम, गुब्बारों से सजी है, दुल्हन की तरह सजी हुई ये फ्रेंचाइजी आप लोग देख सकते हैं। एक बार कहेंगे अपने कैमरा मैन से कि वह कैमरा को घुमाएं और इस दुल्हन की तरह सजी हुई फ्रेंचाइजी को पूरे इंडिया को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे काम हुआ, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे काम हुआ है और यहाँ पे किस तरीके से सेल हुई। तो माननीय CMD साहब, आपको मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, ठीक है, और आपके मैं छोटा भाई हूँ, तो माननीय CMD साहब आपको मैं सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने जबरदस्त प्लान को लॉन्च करने के लिए और फ्रेंचाइजी खोलने के लिए इतने जबरदस्त सिस्टम को डालने के लिए फिलहाल में आपने जो जबरदस्त प्लानिंग दी है ना, ये शायद किसी कंपनी के पास है ही नहीं सर, ये अतुलनीय है, किसी कंपनी के पास नहीं है ऐसा कि इतने सस्ते में आप फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। आपने जो ऑफर दिया है इसके तहत हम लोग बहुत सारी फ्रेंचाइजीज को खुला सकते हैं। फ्रेंचाइजीज खुलाने से हमारा क्या होता है कि हमारी सर्विसेज तेज होती है, उससे हमारा प्लान जो है बहुत तेज़ी से रन करेगा। जब कस्टमर को सर्विस अच्छे से मिलेगी तो हमारी पुट्टी अट्रैक्ट होगा और कस्टमर सर्विस अच्छी होगी तो बिजनेस ऑटोमेटिक ही ग्रो करता है। तो बात करते हैं कि हम आगे फ्रेंचाइजीज खुलाते रहेंगे, ये CMD सर आपसे मेरा वादा है कि हम आगे बहुत सारी फ्रेंचाइजीज खुलाएंगे। और आपको एक बार फिर से सहृदय धन्यवाद करता है ये रंजीत सिंह TRS परिवार की जो पहली फ्रेंचाइजी दी है आज 16 फरवरी को मैंने, आगे कई सारी फ्रेंचाइजीज आएंगी TRS परिवार की तरफ से सर आएंगी, लखनऊ की एक तीसरी लेकिन TRS परिवार की पहली फ्रेंचाइजी खोली गई है आज। तो सर आपको सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय जैमिन भाई पटेल सर जी, हमारे बड़े भाई, हमारे पूजनीय, हमारे आदरणीय आप हो। और मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि इस प्लान में इतनी खूबसूरती ला दीजिए, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट ला दीजिए, वाकई वैसे भी हमारे पास बहुत अच्छी रेंज है लेकिन और इतना अच्छा कर दीजिए कि सर कोई कंपनी हमारे आगे टिकनी नहीं चाहिए, ऐसा प्लान बना दीजिए, इसको और खूबसूरत कर दीजिए, वाकई ऐसे भी वैसे भी कोई कंपनी टिक नहीं पा रही है। तो मैं आपको पूरे हृदय से, अपने दिल की गहराइयों से आपको जो है नमस्कार करूँगा कि आप जैसा व्यक्ति हमारे साथ है तो हम आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे लेकिन अपने पैरों को जमीन पर रख के, ठीक है। तो अब बात करूंगा उस व्यक्तित्व के बारे में जो व्यक्ति अगर वो ना होते तो शायद मैं इस लायक बोल भी ना पा रहा होता और शायद ये फ्रेंचाइजी खुल भी ना पाई होती। तो उस व्यक्ति की बात करें, उस व्यक्तित्व का क्या, वो एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है माननीय विजय गौतम सर, हमारे मेंटर, हमारे आइडियल, हमारे महागुरु, जिसकी शिक्षा के जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है उसी के अनुसार हम आज इतने बड़े लेवल पे काम कर पा रहे हैं, इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े कामों को अंजाम दे पा रहे हैं। तो उसके पीछे हाथ है सिर्फ एक व्यक्ति का, नन अदर देन मिस्टर विजय गौतम सर, ठीक है। तो उनके बिना शायद ये चीज़ें ना हो पाती। और हमारे हितेन गुरु जी, हमारे महागुरु जो हैं हमारे गौतम सर और हमारे हितेन गुरु जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस चीज़ में, हमारे विजय गुरु जी का, विजय मिश्रा सर जी का भी बहुत जबरदस्त सहयोग हुआ है और हमारे प्रवीण जी का, वो भी बहुत जबरदस्त सहयोग करते हैं। और एक व्यक्ति कहते हैं दीपक के पीछे, दीपक मतलब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके पीछे भी एक व्यक्ति है TRS परिवार का, बहुत ही जबरदस्त धुरंधर लीडर, ठीक है। तो उसके बारे में मैं बताऊँ, वो है सोनू कश्यप जी, एक है सोनू शर्मा जी और एक है सोनू कश्यप जी। एक समय ऐसा आएगा कि एक सोनू कश्यप भी आसमान की ऊंचाइयों में रहेगा। तो मैं आपको उन व्यक्ति से मिलाना चाहूँगा सोनू कश्यप जी से, आप देख सकते हैं ये हैं सोनू कश्यप जी TRS परिवार के वो जबरदस्त हीरे जिसके बिना TRS परिवार शायद रन ना कर सके। तो ये है सोनू, सोनी जी से मैं कहना चाहूँगा कुछ दो शब्द इस फ्रेंचाइजी के बारे में बोले। फ्रेंचाइजी यहाँ ओपन हुई, ये बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ फ्रेंचाइजी जो ओपन हुई इसमें हम लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा और सरोज भैया के भी सब यानी अच्छा सपोर्ट रहा, इसी के हिसाब से फ्रेंचाइजी यानी अच्छी से हुई और आज सेल भी अच्छी खासी हुई है। बस इसके आगे बहुत धन्यवाद। तो बात करेंगे आखिरी में, अंतिम में, कि यहाँ पे जो फ्रेंचाइजी खुली, ठीक है, वो जिसकी फ्रेंचाइजी है इतने दिल से, इतने हल्दे लजीज व्यक्तित्व है, सरोज भैया के बारे में क्या कहें, ज़्यादा दिन तो नहीं मिले हुए सर लेकिन 15 दिनों में ये जान गया हूँ कि
चेक पे दस्तखत करना भले ना आता हो उनको, चेक पे दस्तखत करना भले ना आता हो, लेकिन दिलों पे बड़ी कारीगरी से नाम लिखते हैं हमारे सरोज भैया जी, तो उनको भी सहृदय धन्यवाद करना चाहूँगा। और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, तो माननीय जयवीर भाई पटेल सर जी, हमारे आदरणीय, हमारे पूजनीय, आपको एक बार फिर से हम बहुत ही सहे दिल से जो है बधाई देना चाहेंगे इस फ्रेंचाइजी के लिए। थैंक यू सर। जय फिलौन, जय फिलौन, जय फिलौन।